हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर गुरुपाद पद्म जुगाचार्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम करी तंकर अहेतुक कृपा प्रार्थना करूछि। प्रिय आत्मन, आम मैंने एकादशी संबंध में अनेक भिडियो आम मैंने देखी थे आखिर पर श्रद्धार सहित अनेक भक्त आम पाखक फोन कल एवं मेसेज द्वारा पचारुले एकादशी किपर पालन करेंगे। तेबे एही वीडियो होचे एकादशी किपरि पालन करिवे तार पूर्ण सूचना देवाई आमर छोट प्रयास। तेबे एकादशी तिथि होचंदी पुण्य स्वरूपिणी सर्व पाप विनाशिनी विष्णु भक्ति उद्दीपिनी परमार्थ गति प्रदायिनी। एकादशी तिथि संबंध रे भविष्य पुराण रे कहंती कि एषा तिथि पर पुण्य विष्णु ऋषस्य दुष्टि तुष्टिदा तस्यामेव जगन्नाथो अमूर्त मूर्तिमान स्थितः। कले तस्यामेव जगन्नाथ अमूर्त मूर्तिमान स्थितः। यही एकादशी तिथि रे साक्षात जगन्नाथ मूर्तिमान रूपरे प्रकट हुवन्ति। तेणु एकादशी तिथिर नाम मध्य होचि माधव तिथि, हरिवासर, हरेर दिन, वैष्णव दिन आदि अनेक नाम। तेणु यही एकादशी तिथि पालन करने समस्त अधिकारी 8 वर्ष ठारू 80 वर्ष पर्यंत आबाल वृद्ध वनिता क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी वैष्णव शाक्त सौर आदि ये समस्त एकादशी व्रत को पालन करिपारिबे। कहले जेमती जड़े शिशु मानकु छुआ मानकु तांकर मां रक्षा करती औषध बा पथी जमती रोगी मानक रक्षा करती से भाई एकादशी तिथि एकादशी व्रत ये समस्त जीव मानक रक्षा करती। एकादशी संबंध में जदि किए श्रवण करती एकादशी व्रत को किए जदि पालन करती एवं एकादशी व्रत विषय जहाँ हृदय कई जड़े श्रद्धा जदि उत्पन्न कराइ दिखती तेरे एकादशी व्रत समस्त संसार पापर ताकू उद्धार मिलता है। तेणु एकादशी तिथि पालन करने को हेले आम मानक विशेष भाव में तीनोटी वस्तु प्रति ध्यान देवाक पड़ो। गोटे हूँ पूर्व प्रस्तुति, द्वितीय हूँ एकादशी विधि निषेध जाणीवा अर्थात कौन करणीय कौन करवा उचित कौन न करवा उचित कौन ग्रहण करवा उचित कौन ग्रहण करवा उचित नुहे से संबंध में विशेष भाव में जाणीवा विधेय। ता सहित एकादशी व्रत को भांगे बा पारण करे किपर से संबंध में जाणीवा आवश्यक अच्छी। प्रस्तुति कहले एति बुझा पड़ो आपण पूर्वदिन प्रथमे एकादशी तिथिर निर्णय सज्जन एकादशी तिथि होती दि प्रकार जड़े होती संपूर्ण आउ जड़े होती विधा। संपूर्ण माने स्वयं संपूर्ण शुद्ध एकादशी तिथि से दिन आपण वैष्णव पंजिका अनुसार देखी आपण पालन करें। किंतु द्वितीय निर्णय हूँ आपण को तर्जमा कर निर्णय नेबाक पड़ो जे एकादशी तिथि तो आसिले प्रकट हेले किंतु विधा कि ना अर्थात विधा हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ पूर्व विधा आ गोटे हूँ पर विधा। पूर्व विधा माने एकादशी तिथि यदि दशमी युक्त हो जा दशमी स्पर्श हो तेबे से एकादशी व्रत पालनीय नुहे। कले दशमी केमती अर्थात एकादशी सूर्य उदय पूर्व एकादशी तिथिर सूर्य उदय पूर्व गोटे मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त अर्थात अरुण उदय समय माने गोटे चारि दंड रे गोटे मुहूर्त आउ गोटे दंड होची 24 मिनिट 24 मिनिट इंटु 4 हेले घंटे 36 मिनिट समय होची अरुण उदय समय सूर्य उदयर घंटे 36 मिनिट पूर्व भितर समय व्यापक भितर जदि दशमी तिथि स्पर्श कर अर्थात घंटे सूर्य उदयर घंटे 36 मिनिट पूर्वर जदि दशमी तिथि स्पर्श हो जाए नाम मात्र तेबे से दशमी विधा हो गले। शास्त्र कहते ये दशमी विधा एकादशी तिथि पालनीय नुहे। बासरम दशमी विद्धम दैत्यानं पुष्टिवर्धनं मदीयं नास्ति संदेह सत्यं सत्यं पितामह।
कहले जदि दशमी विधा हो जाए व्रत जी पालन करेंगे तेल से फलटा निजर परमार्थपी तो मिलवनी बर ताकू असुर मानकर दैत्य मानकर पुष्टि विधान हे तेणु विशेष भाव सजत्नवान है दशमी विधा एकादशी तिथि की त्याज्य पालन करें परम से क्षेत्र में आपण पर विधा अर्थात द्वादशी विधा द्वादशी युक्त एकादशी तिथि की आपण पालन करेंगे किंबा शास्त्र यह एकादशी द्वादशी हरिवास रु जदि एकादशी द्वादशी दुईट जाक हरिवास जदि एकादशी रे आपण विधा एकादशी प्राप्त हेले दशमी विधा होती तबे द्वादशी दिन व्रत पालन करिवे एवं प्रस्तुति प्रथम ये तो प्रस्तुति गला द्वितीय प्रस्तुति कौन क्रियात्मक रूप से आपण घरे जदि रोष घर आपण भल रूप से सफा करेंगे जो भाई अईठा कौन बासन न रहा दरकार एवं चूला आदि सबकि भल भाव सफा करदे जमती अन्न डाली कौन छिटका रही शोवा पूर्व आपण ब्रश करके जमती दात खाई सारे दात मूल कौन प्रकार अन्न डाली जातीय द्रव्य न रही दरकार सबुदिन तो ब्रश करते भल नतुवा एकादशी पूर्व प्रस्तुति पे दशमी दिन ब्रश करिवे आउ विश्राम करिवे एवं एकादशी दिन बड़ प्रसन्नतार सहित शज्या त्याग करिवे आउ ब्राह्म मुहूर्त रु साढ़े तीन टा चार रात शज्या त्याग करिवे एकादशी व्रत पालिबा व्यक्ति सकाळु विष्णु मंदिर जदि मंगल आरती हुए किंबा जदि मठ मंदिर थांदी ताले मंगल आरती दर्शन करिवे एवं एकादशी दिन एकादश एगार इंद्रिय द्वारा हरि वस्तु ही ग्रहण करिवे अर्थात शब्द स्पर्श रूपरस पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय एवं मन ए एगारटी वस्तु एगारटी इंद्रिय रे जिमती चक्षु द्वारा भगवान रूप दर्शन हाथ द्वारा भगवान मंदिर मार्जन आदि सेवा पाद द्वारा विष्णु मंदिर गमन एवं मंदिर परिक्रमा आदि करिवे एवं कर्ण से भगवान कथा और नाम श्रवण करेंगे जिह्वे भगवान लक्षाधिक नाम नेबे एवं इत्यादि ये समस्त इंद्रिय मानक द्वारा भगवान का सेवा करेंगे सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो हो रवचांस वैकुंठ गुणान वर्णने ये भागवतर अम्बरीश चरित अम्बरीश महाराज चरित अनुसार एकादशी व्रत को पालन करेंगे द्वितीय कथा कहते एकादशी दिन कौन भक्षण करिवे कौन भक्षण करिवेनी कारण शास्त्र कहते भूय भूय दृढ़ वाणी श्रूयता श्रूयता जनः न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरेर दिने कले एकादशी दिन भोजन करवाटा निषिद्ध न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम बिल्कुल भोजन अन्न भोजन करिवेनी कारण से दिन आपण पूर्व भिडियो शुणी जे ब्रह्म हत्या आदि समस्त प्रकार पाप अन्न को आश्रय करके ही रहंती किंतु एक कथा श्रवण करिवा परे आम ओडिशार किछि माँ मैंने एवं भाई मैंने मध्य या विचार करती एकादशी दिन अन्न भोजन करिवेनी तेबे रुटी पूरी खाइले चलिबो से माने रुटी पूरी खाई दियंती किंतु सज्जन ताले यूपी साइड रे तो अन्न केबे खांदनी तेबे सेमानकर सबुदिन एकादशी पालन हो ना सज्जन एकादशी दिन भल भाव आमको बुझाक पड़ो अन्न क्या कहुए कले अतुम योग्यम अन्नम अर्थात जहाँ भोक्त जहाँ भोज्य सामग्री की अन्न को अन्न बोली कहुए अतएव से दिन एकादशी दिन अटारे तैयारी मैदारे तैयारी प्रस्तुति जो पूरी रुटी एवं अन्न डाली श्यामा चाउल मुड़ी एवं चूड़ा सुजी चना मुग एवं ये प्रकार जिते वस्तु ये सब खाइबा को रवि शस्य निषिद्ध अच्छी ये सब खाइबार निषिद्ध या को खिया जाए नि हरिवास रे वस्तुतः कौन भोजन करिबा आमे पर कहिबू किंतु कई कई किंतु कहंती जे महाप्रसाद किंतु सेवन करी परिवे जगन्नाथ पुरी धाम रे विशेष भाव रे एकादशी व्रत संबंध रे बा एकादशी तत्व संबंध रे अज्ञ व्यक्ति विशेष माने एकादशी तत्व को जानी नथिबा व्यक्ति विशेष माने बेले बेले कहंती जे एकादशी देवी की बंधा पकाई चेटी बांधी दिया जाइछि एकादशी तिथि रे कोनसी प्रकार पुरी रे महाप्रसाद सेवन करिवे अन्न भोजन कले विष्णु नैवेद्य को भोजन करी परिवे सज्जन सतरे शास्त्र रे एही वचन अछि जहाँ गौतमीय तंत्रे मध्य मिले जहाँ हरिभक्ति विलास प्राप्ति हुए
कि एकादशी सहस्रेस्तु मास पोषण कोटिभि तत्फलं प्राप्यते पुंभि विष्णुर नैवेद्य भक्षणात्। शास्त्र कहते कि हरिभक्ति विलास कहते सहस्र एक हजार एकादशी व्रत बा मास उपवास ठारु मध्य कोटि गुणरे सर्वश्रेष्ठ होचंति विष्णुंकर नैवेद्य भक्षण। तेबे तार अर्थ एया मध्य नुह जे ये होचि केवल सज्जन महाप्रसादर महिमा ज्ञापक बा महिमा सूचक श्लोक एथरे एका महाप्रसादर महिमा सूचक श्लोक ये किंतु एही श्लोक रे एकादशी की छाड़ीबा पाई बा एकादशी की निषेध करा जायनी एकादशीर नियम अनुसार ताकू पालन करिवा पाई मध्य कहा जायछि। कारण हरिभक्ति विलास रे जो जगार ये श्लोक कहा जायछि तार परवर्ती पर्याय रे शास्त्र रे एही श्लोक हरिभक्ति विलास रे कहिसेंति नच स्नान्ति दिनं प्राप्य हरेर नराहा। कहले कि प्राणात्यय प्राण छाड़ी त्याग करदेवाकू समय आसिले मध्य किंतु हरि हरिवासर दिन ये वैष्णव माने भोजन करिवे नाही। तार अर्थ सज्जन हरिवास एवं महाप्रसाद ये दुईटी जाक वैष्णव पक्षे पालनीय किंतु एकादशी दिन विशेष नियम हेतु ये महाप्रसाद बा विष्णु नैवेद्य भक्षण निषिद्ध। अन्य दिने विष्णु नैवेद्य एकमात्र सेवनीय। सज्जन वैष्णव माने तो एपरी विष्णु निवेदित वस्तु अनिवेदित वस्तु को ग्रहण ही करती ना तेना सबुदिन तो विष्णु नैवेद्य ग्रहण हुए बा महाप्रसाद ग्रहण करा जाए तेबे अन्य एकादशी दिन पुणी से विष्णु नैवेद्य केमिति ग्रहण करिवे ना एकादशी दिन विष्णु नैवेद्य मध्य ग्रहण करिवेनि से दिन विशेष नियम। जदि जगन्नाथ महाप्रसाद विशेष कारण प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च जत ब्रह्मवत निर्विकारत्वात् जथा विष्णु तथा एव सह। जगन्नाथ प्रसाद होचंती साक्षात जगन्नाथ स्वरूप निर्माल्य तांकर प्रसाद ए सब किछि जगन्नाथ स्वरूप तेणु सीए जदि पाखक पलि आसिले कण करिवे चैतन्य महाप्रभु सेटा शिक्षा देचंती। महाप्रभु जेतले जगन्नाथ पुरी रे थिले एकादशी दिन कई भक्त आनी महाप्रसाद को सम्मुखरे रखिले सम्मुखरे रखिवा परे महाप्रभु निवेदन कले प्रसाद सेवन आर श्रीहरि वासरे विरोध न कर प्रकभु बुझ अंतरे एक अंग माने आर अन्य अंगे द्वेष जे करे निर्बोध से ही जानह विशेष एकादशी दिने निद्राहार विसर्जन अन्य दिने प्रसाद निर्माल्य सेवन। कहले भक्तिर दुईटी अंग बड़ विशेष महाप्रसाद सेवन एवं एकादशी व्रत पालन किंतु महाप्रसाद सेवन करने को जाई एकादशी व्रत पालन को द्वेष कले ये किंतु हबनी एथिरे अंगहानि हब अंगहानि माने ये निर्बोध पणिया बा मूर्खता। तेणु महाप्रभु कहते सबुदिने एकादशी रे महाप्रसाद सेवन करिवे बा निर्बाल्य भक्षण करिवे किंतु एकादशी दिन विशेष नियम निद्रा आहार ये दुईटी जाक त्याग करिवा को पड़िवो। किंतु आमर ओडिशार केते भक्त मध्ये अछंती जो माने प्रत्येक दिन निर्माल्य ग्रहण करती तेणु से अभ्यास वशतः कहती एकादशी दिन हेले मध्ये मु व्रत तो पालन करी किंतु निर्माल्य टिके न पाई रही केमती महाप्रसाद सबुदिने पाउथली ना सज्जन सबुदिने आपण निर्माल्य पाइबे किंतु एकादशी दिन विशेष नियम जे व्रत पालन करिवा उद्देश्य रे एकादशी व्रत पालन करिवा उद्देश्य रे से दिन जदि निर्माल्य अछंदी किमा महाप्रसाद आसिले प्रणाम करिवे एवं चारिपटे परिक्रमा चार थर करिवे विष्णु प्रसाद को सम्मान हे जीवो किंतु से दिन भक्षण करिवेनी बरम महाचैतन्य महाप्रभुंकर अनुसरण करी द्वादशी दिन महाप्रसाद द्वारा पारण करिवे। एवं आउ गोटे कथा कहिले जे शास्त्र एपरी मध्य गौतमीय तंत्रे कहुचंती वैष्णव जदि भुंजितम एकादश्यां प्रमादतः विष्णुरचनं वृथा तस्य नरकं घोरम आप्नुयात्। कहले वैष्णव जदि एकादशी तिथिरे प्रमाद वशतः बा असावधानता वशतः नैवेद्य भक्षण कर दियंती
विष्णु नैवेद्य कौन भोजन यदि ग्रहण कर दिखती द्वारा कराइवा समस्त विष्णु अर्चन वृथा पलिजी। अतएव सज्जन एकादशी दिन निर्माल्य महाप्रसाद आदि अन्न डाली जातीय समस्त प्रकार ये सब वस्तु निषिद्ध अच्छी। किंतु जदि किए एकादशी दिन तेणु कह जाए श्राद्ध मध्य करणीय नुहे, निंदित अन्न को ये पितृपुरुष मैंने ग्रहण करती। जदि एकादशी दिन श्राद्ध पड़े तेबे एकादशी दिन व्रत पालन करिवे एवं द्वादशी रे श्राद्ध आदि तर्पण क्रिया करिवे, वैष्णव मानक डाक भोजन आदि देवे। तेबे एकादशी दिन श्राद्ध आदि करणीय नुहे। कहते जदि जन्म अशौच होवा मृत अशौच होवा असुस्थ अवस्था अच्छा विपत्ति पड़ते जेकोसी स्थित किंतु एकादशी वर्जन्य नुहे बरम पालनीय। अतए बड़ जानवार विषय हूँ एकादशी तिथि पालन करने खाइबे कौन जदि असमर्थ अच्छा सज्जन कह जाए एकादशी दिन निर्जला करवा विधेय। निर्जला माने जल मध्य ग्रहण करें किंतु यदि असमर्थ अच्छा डायबिटीज ब्लड प्रेशर एवं अनेक प्रकार रोगणा शरीर आपणकर अच्छी ताले मध्य चिंता करिवा नाही सज्जन। एकादशी व्रत पालन करिवार नियम मध्य विशेष भाव कंप्रोमाइज करा जाइछि जे किमिति आपण पालन करिवे से मानक पक्षे अनुकल्प ग्रहणीय। अनुकल्प माने वेदर छटा अंग गोटे होची छंद निरुक्त व्याकरण शिक्षा कल्प ज्योतिष ये छटा अंग भितर अनेक अनेक कथा वर्णना करा जाए। विशेषकर कल्प शास्त्र रे गोटे अंग कल्प एक कल्प रे जे गोटे शास्त्र विधान जहाँ दिहाई से पालन करने असमर्थ ताले तार विकल्प कौन से कथाटा कल्प शास्त्र रे अच्छी। तेणु कल्प शास्त्र को अनुसरण करी अनुकल्प ग्रहण करिवे। अनुकल्प माने कल्प शास्त्र रे कहउचंती जल फल मूल क्षीर घी सद्गुरु वाक्य पालन एवं औषध आदि ये सब व्रत नाशक नुहे। तेणु एकादशी तिथि आपण जल ग्रहण करें जदि जल ग्रहण करने रहा असमर्थ हमें तेल फल ग्रहण करें जदि फल ग्रहण करने आप असमर्थ हमें रही तेज आप अनुकल्प प्रसाद माने मूल वस्तु जमीक विशेष भाव ग्रहणीय करहब कंचा कदमी माटी आलू एवं बिलाती आलू मध्य पकई पारे मूल सीए ये सब वस्तु एवं फल काकुड़ी आपल मैंने सेऊ ऑरेंज नाशपाती कदमी ये समस्त वस्तु आपण ग्रहण करेंगे। निज घरे छेना बाहर पनीर आने मैदा मिशि संभावना थाए तेणु निज घरे आपण क्षीर एवं दही पनीर माने छेना आदि मारी आपण खाईपर जदि सका बार बारटा पर्यंत रही भल नतुआ किए असुस्थ थे सका भोजन करें किंतु एकादशी दिन गोटे थर भोजन कर गोटे थर ये अनुकल्प को ग्रहण कर आपण रहा चेष्टा करेंगे कले एकादशी व्रत सफल हुए। एवं एकादशी व्रत सरवापर दिन तमाम अधिकर अधिक हरिनाम करेंगे अधिकर अधिक हरिकथा श्रवण करेंगे अधिकर अधिक भागवत गीता आदि ग्रंथ को अनुशीलन करेंगे एवं ये सब ग्रहण करने रात्रि रे भगवान को प्रार्थना करी विश्राम ने उठवा पर त्रयोदश जदि द्वादशी व्रत पालन करते त्रयोदशी व्रत पारण करने को पड़ो पारण यहाँ बहुत विशेष कथा। व्रत भांगी न भांगे एकादशी व्रत पारण न करले ताहले आमर विशेष फल एकादशी व्रतर फल मिलवन तेणु पारण करने को पड़ो। पारण गोटे विशेष नियम अच्छी विशेष समय अच्छी जे पर दिन एकादशी व्रत पालन पर दिन को समय रु को समय भितर पारण करेंगे अर्थात सूर्य उदय पर केते समय भितर आम पारण समय अच्छी तापे आम वैष्णव पंजिका आपण पाखे उपलब्ध करदेबू जो मैंने चाहे डिस्क्रिप्शन लिंक रे आम दौचु से लिंक रे आपण ये पंजिका को आपण डाउनलोड करें विशेष भाव में वैष्णव पंजिका आम मठर प्रकाशित पाई से पंजिकार जो दिन व्रत अच्छी एवं पारण टाइम की यदि आप अनुसरण कले ताले विशेष भाव फलप्रद हे। पारण किपर करेंगे प्रणाम करेंगे विष्णु सका स्नान करी समस्त पर तिलक आह्निक आदि कर सारे हरिनाम करी एवं विष्णु अर्चन करने
ସମୟ ଭିତରେ ପାରଣ କରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣା ଯଦି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଚରଣାମୃତ ଦ୍ୱାରା ପାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନେବେ। ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବେ କି ତବ ପ୍ରସାଦାତ ସ୍ୱୀକାରାତ କୃତମ ଯତ ପାରଣଂ ମୟା ବ୍ରତନାନେନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ୍ୱଂସ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଜଚ୍ଛମେ କି ହେ ନାଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲି ଆଉ ଏବେ ପାରଣ କରୁଛି ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବ ଆପଣ ମାର୍ଜନା କରିବେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ ବା ମୋତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଏକ ବିଶେଷ ନିୟମ ହେଉଛି ଯଦି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ମଠ ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ତେବେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇକି ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାପରେ ପାରଣ କଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।